देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी पहुंचे भागलपुर, केंद्र की योजनाओं को प्रत्येक गांवों तक बताने की कही बात। आज भागलपुर बांका और नौगछा के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर, श्वेता सिंह और श्वेता सुमन ने की। मंच संचालक दिलीप निराला और कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। इस कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था से ही गांव का विकास संभव है। जब तक गरीबों का कल्याण नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए केंद्र की योजनाओं के बारे में गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। वही दूसरे सत्र में विधान पार्षद डॉक्टर एनके यादव ने पंचायत को मजबूत करने के लिए पार्टी की ओर से किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। तृतीय सत्र में क्षेत्रीय सह प्रभारी मनीष पांडे ने मुद्दों को खड़ा करने पर जोर देते हुए कहा कि यह प्लानिंग की जगह हमें अपना विजन भी गांव-गांव तक लोगों को बताना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में जो हमारी जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का, और उनको हम प्रशिक्षित करके और राष्ट्र के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है उसको लेकर के उनको सजग करने के लिए आज हम लोगों ने बुलाया है। और हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कई प्रकार के वर्गों में उनको बताएंगे कि आपकी जो भूमिका है वो और भूमिका कैसे मजबूत हो सकती है और आप राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान कर सकते हैं। क्या लगता है कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है? 2024 में मोदी जी 400 सीट लेकर के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2024 के तुरंत बाद महागठबंधन की सरकार बिहार से हटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी।